गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, वेलकम बैक अगेन इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 5 मिस्चिफ। बेटा, कल हमने एक लड़के के बारे में पढ़ा था। द नेम ऑफ द बॉय वॉज गोपाल, हु वॉज अ शेपर्ड, जो भेड़ों को चराता था। एंड वन डे ही वॉज शाउटिंग हेल्प हेल्प, एंड व्हेन द विलेजर्स कम ही वॉज मेकिंग फूल ऑफ वर्ल्ड। विलेजर्स को बेवकूफ बना रहा था क्योंकि वहाँ पर कोई भी भेड़िया नहीं आया था, और उसने झूठ मूठ का सबको चिल्ला चिल्ला के बुला के मदद मांगी थी। ओके, और वो रोज़ भेड़ों को चराने ले जाता था। नाउ लेट्स सी कि एक्चुअली में हुआ क्या था फिर। व्हाट आर दीज पीपल डूइंग, अब हमसे पूछा जा रहा है ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। व्हाट आर दीज पीपल डूइंग, दे आर स्कोल्डिंग द बॉय, वो सब बॉय को यानी लड़के को डांट रहे थे। स्कोल्डिंग, SCOLDING, मीनिंग ऑफ स्कोल्डिंग इज बेटा डांटना। और वो लड़की को क्यों डांट रहे थे, वाई दे वर स्कोल्डिंग द बॉय, बिकॉज ही वॉज टेलिंग लाई ऑल द टाइम, वो हर वक्त झूठ बोलता था कि हेल्प मी भेड़िया आया, मेरी भेड़ों को बचाओ, हर काइंड ऑफ। और ये गलत बात है, अगर आप बार बार झूठ बोलेंगे देन वन डे द टाइम विल कम नो बडी विल ट्रस्ट यू एंड नो बडी इज गोना हेल्प यू इन द रियल लाइफ। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, अगर मेरे हम लगातार झूठ बोलते रहेंगे तो किसी दिन हम अपने ही झूठ में फंस जाएंगे, और हम सच में जब किसी मुसीबत में होंगे तो हमारी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं आएगा। बिकॉज ही प्लेड अ जोक ऑन देम, क्योंकि उसने उन लोगों पे एक जोक किया था, एक मजाक किया था। मैंने आपको बताया ना, बार बार कह रहा था भेड़िया आया तो मजाक कर रहा था ना। वेयर आर दोज पीपल गोइंग, अब वो लोग कहाँ जा रहे हैं। दे आर गोइंग बैक टू देयर विलेज, वो सारे लोग अपने खेत वापस जा रहे हैं। ठीक है, वॉट इज द बॉय डूइंग, ही इज लाफिंग एट देम, और लड़का क्या कर रहा है, वो अब उन पर हंस रहा है। मतलब उसके ऊपर उनकी डांट का, उनकी स्कोल्डिंग का कोई असर नहीं हुआ। ही वॉज अगेन लाफिंग ही ऑन द विलेजर्स, जबकि वो विलेजर्स कितने अच्छे थे ना, दे कम टू हेल्प द बॉय, बट बॉय ने क्या किया क्लास फर्स्ट, ही मेक फन ऑफ द विलेजर्स, उसने झूठ बोला और सारे विलेजर्स का मजाक भी बनाया। एंड दैट्स नॉट गुड ना बेटा, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कभी भी। ओके, नाउ लेट्स कम, वॉट इज द बॉय डूइंग, अब लड़का क्या कर रहा है, ही इज शाउटिंग, वॉट इज ही सेइंग, लड़के ने दोबारा से चलाना शुरू किया, और सब लोग कह रहे हैं कि वॉट इज ही सेइंग, अब वो क्या कह रहा है। मतलब इस बार लड़का चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है, ही इज सेइंग वुल्फ वुल्फ, वो कह रहा है भेड़िया आया, वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया। वॉट इज द वुल्फ डूइंग, वुल्फ क्या कर रहा है भेड़िया, द वुल्फ इज किलिंग अ शिप, जो सच में भेड़िया आ गया तो उसने एक भेड़ को मार दिया। ये देखिए, यू कैन सी इन द पिक्चर बेटा, ही इज किलिंग अ शिप, वो एक शिप को मार रहा है। डिड पीपुल कम टू हेल्प द बॉय, क्या लोग आए उस लड़की की मदद करने, नो नहीं, पीपुल डिड नॉट कम टू हेल्प द बॉय, कोई वहाँ पर लड़के की मदद करने नहीं आया। क्यों नहीं आया बेटा, वाई द पीपल नॉट कम फॉर हिज हेल्प, अब हमसे पूछा जा रहा है लोग वहाँ उस लड़के की मदद करने क्यों नहीं आए। Why did the people not come to for his help? Because the people thought, लोगों को लगा that the boy is again playing a mischief on them. मतलब सभी लोगों को लगा कि वो लड़का फिर से उनके ऊपर मजाक बना रहा है, उनको बेवकूफ़ बना रहा है, झूठा बोल के खेल रहा है, इसलिए इस बार कोई भी इंसान उसकी मदद करने नहीं आया। ओके, सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर से लाई, अदरवाइज वन डे यू गोना ट्रैप ऑन योर ओन लाई, अगर आप बार बार झूठ बोलेंगे ये तो आप अपने ही झूठ में एक दिन फंस जाएंगे, एंड नो बडी विल हेल्प यू। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, दिस वॉज योर लास्ट चैप्टर ऑफ दिस टर्म, आई होप यू ऑल डू वेरी वेल एंड कम्प्लीट योर वर्क्स, दोज हू हैव नॉट डन इन प्रॉपर कॉपी। ओके, थैंक यू।